हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्त? जल्दी से कंफर्म कर दो, जल्दी से कंफर्म कर दो, जल्दी से कंफर्म कर दो। क्या यस, गीतांजलि आ चुके हैं, प्रभजीत, नंदनी, सुजीत, प्रियंका, आई कैन सी यू, जस्ट लाइक द वीडियो इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस क्लियर। क्या सब ठीक है? जस्ट टेल मी, इज एवरीथिंग गुड सो दैट वी कैन गो अहेड। जल्दी से सब फटाफट फटाफट बता दो, क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। एक बार आप भी कंफर्म कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार ग्रुप में बता दो भाई कि सब फटाफट आ जाए, सब फटाफट आ जाए, ताकि हम आगे की जो है राह अपनी तय करें। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ग्रुप पर भी मैसेज कर दो सो दैट एवरीवन आउट देयर कैन ज्वाइन। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, क्या सब कुछ क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर एट योर एंड? जल्दी जल्दी बता दो, क्या सब कुछ क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। क्या सब आ चुके हैं? वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अगर सब कुछ क्लियर आ रहा है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ ठीक है एंड वी कैन प्रोसीड अहेड, एंड वी कैन प्रोसीड अहेड। हेलो हरिप्रिया, हेलो हरिप्रिया, क्या सब कुछ ठीक है? वी कैन प्रोसीड अहेड। हाँ सर, हम सब आ चुके हैं, और हमने ग्रुप पर भी बता दिया है कि अगर किसी को आना हो तो वो आ जाए। आज हमारा ये वाला चैप्टर मैं पूरा अच्छे से आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए अपने एग्जाम के लिए, और आपको कोई तरीके की दिक्कत ना आए, कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए, ऐसा हम रिवाइज कर लेंगे। फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, ताकि आपका ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपने शुरू से मेरे साथ नहीं किया हुआ है तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, इसीलिए डू नॉट मिस दिस। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर कॉपी पेन अगर लेना हो तो ले लो, और हम शुरू करेंगे हमारा आज का सफर। फिर हम शुरू कर देते हैं आज का सफर। ये बताओ होली किस किस ने खेली, ये बताओ होली किस किस ने खेली आज? जल्दी जल्दी बताइए होली किस किस ने खेली आज? यस सर, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, वी आर रेडी टू गो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है आज होली भी खेल रहे हो, बाकी हम सब आ चुके हैं आज का जो है प्रोडक्टिव डे को अंत करने, और हमारे वापस हौसले बुलंद करने। आज सुबह मैंने स्ट्रेटेजी भी शेयर करी थी वाइदी पे, बट कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, अब हम शुरू कर सकते हैं ये हमारा अद्भुत खेल जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। क्या आप सब रेडी है? क्या दोस्त आप सब रेडी हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट खत्म करने के लिए? हाँ सर, हम सब रेडी हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके कमेंट्स, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सब लिख दो सर, वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू गो। हम आपके साथ हैं अगले 1-1.5 घंटे, और हम अपना भरपूर सही तरीके से रिविजन करने वाले हैं, ये हमने मान लिया है, ठान लिया है। वी आर रेडी सर, ऐसा करके कमेंट लिख दो, ताकि मैं भी आपको एक सुहाने सफर पर, कॉस्टिंग के सफर पर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पर ले चलूं, और इस इकोनॉमिक्स के प्यारे से सब्जेक्ट को। जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख दो सर। तब थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहे, आनंदमय जीवन हम जीते रहे।
आप सबका स्वागत है दोस्त। अगर अभी तक आपने थ्योरी ऑफ कॉस्ट की एक भी क्लास मेरी अटेंड नहीं करी है तो आज आपको भरपूर मजा भी आ जाएगा, और इनफैक्ट जिसने करी है उसके और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज लास्ट के कॉन्सेप्ट भी हम अच्छे से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बुला लो। अक्षय स्वागत है तुम्हारा भी। अपने दोस्तों को बोल दो कि भाई साहब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बिकॉज आज होली के दिन हम कॉस्टिंग पर रंग उड़ाने वाले हैं और मजे करने वाले। यस सर, वी आर रेडी, वी कैन गो अहेड, वी आर रेडी। गुड इवनिंग प्रथमेश, गुड इवनिंग। अगर अभी तक आपने कॉस्टिंग की कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी तो भी आपको आज, अरे हाँ मंगल पांडे भाई, आपको कौन नहीं जानता, कॉस्ट का रंग उड़ा देंगे। चलो भाई, क्या सब रेडी है? हाँ सर, हम सब रेडी है, और आज हम बहुत भरपूर तरीके से कॉस्टिंग का रिविजन कर लेंगे। हम सब आ चुके हैं सर, आप शुरू करिए। हम सब आ चुके हैं सर, आप शुरू करिए। हम सब आ चुके हैं सर, शुरू करिए। ठीक है, ओके ओके, डन 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 डन, ओके ओके ओके। अब पूरा फोकस मुझे तुम्हारा चाहिए स्क्रीन पर, सारे डिस्ट्रेक्शंस को कह दो बाय, और पूरा फोकस करो अब अपनी स्क्रीन पर। तब हम रेडी हैं, और पूरे फोकस के साथ अब ये वाला चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। पूरे फोकस के साथ हम ये वाला चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आप रेडी है? यस सर, हम रेडी हैं। और कॉस्टिंग नहीं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट है भाई, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं हम ज्योति, डू नॉट वरी अबाउट, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बेस्ट तरीके से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे ताकि तुम्हारी ग्रिप बन जाए कॉन्सेप्ट से, और ये नोट्स को आप इजीली फिर यूज कर पाओ। ठीक है, सीए कार्तिक वर्मा भी प्रेजेंट हो चुके हैं हमारे साथ, बहुत बढ़िया। एक अलग ही सीए गीतांजलि शर्मा इज रेडी टू गो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी एनर्जी है तुम लोगों की, अपने दोस्तों को भी तुमने बुला लिया है। पूरा फोकस तुम स्क्रीन पर करना, और मेरे साथ एक आध घंटा आपने बिता लिया तो भाई मजा आने वाला है तुमको आगे भी। ठीक है सर, वी आर रेडी टू गो। अब पूरा फोकस हम करेंगे स्क्रीन पर, एक एक करके हम कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करते जाएंगे। सी नंदनी शर्मा ने बोल दिया, हाँ सर चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, हमने कॉस्टिंग के ये प्यारे से चैप्टर में सबसे पहले बात करी थी कि सर कॉस्ट एनालिसिस होता क्या है। कॉस्ट एनालिसिस कुछ भी नहीं होता दोस्त, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को हम जो है स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को स्टडी करते हैं ऑन ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसका साइज, उसका स्केल, उसके प्राइसेस। मतलब कितनी कॉस्ट होगी अगर हम एक्स वाई जेड प्रोडक्शन करेंगे, ये हमको कॉस्ट एनालिसिस बताती है। फिर सबसे शुरू में हमने बात करी थी सर अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है। सर अकाउंटिंग कॉस्ट वो होती है जो जो हम ना अकाउंट्स में, जो हम अकाउंट्स में ऐसे एंट्री कर पाए। अकाउंट्स में तुम एंट्री करते हो ना? हाँ सर, अकाउंट्स में एंट्री करते, कैसे करते हो सर? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या फिर हमारा क्रेडिट, ये एंट्री करते हो ना? अगर तुम ये एंट्री कर पा रहे हो, अगर तुम ये एंट्री कर पा रहे हो तो वो तुम्हारी होगी अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सर, हमने पेमेंट कर दिया, हमारे सैलरी सैलरी पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया सर, हमने फ्यूल फ्यूल डलवाया गाड़ी में सर, हमने रेंट का पेमेंट किया सर। जब हम रेंट आउटफ्लो हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलेंगे। इसको हम प्यार से सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको प्यार से हम एक्सप्लिसिट कॉज भी बोलते हैं। गगनप्रीत भी आ चुके हैं हमारे साथ, बोलते भी जाना, अगर तुम कमेंट करने में फिजिबिलिटी हो तुमको तो तुम बोलते भी जाना दोस्त। ठीक है सर, अकाउंटिंग कॉज समझ में आया, एमसीक्यू आएगा, एक्सप्लिसिट कॉज किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉज किसको बोलते हैं, तो हम टिक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, सर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है सर? इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है सर अकाउंटिंग कॉस्ट, सर अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस 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 इम्प्लिसिट कॉस्ट, सर प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट का कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जो कि फॉरगोन हो गई, जो तुमको मिल सकती थी लेकिन नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो इसका ये मतलब है कि मैं और कहीं सैलरी अर्न नहीं कर पा रहा हूं, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। सर अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये जो कैपिटल मैंने कॉन्ट्रीब्यूट करी है बिजनेस में लग गई, अब इस मनी को, ये जो मनी कैपिटल मैंने लगाया है इसको मैं और कहीं यूज नहीं कर सकता, तो इस मनी कैपिटल पर जो मैं इंटरेस्ट कमाता वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, उसको मैं अकाउंटिंग में नहीं ले रहा हूं, मैं उसका एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट लग रही है इंटरनली, तो कहीं कॉस्ट लग रही है। हाँ सर, जो नॉर्मल रिटर्न आप कमाते आपके कैपिटल पर का क्या सर? जो आप सैलरी कमाते, जो सैलरी अगर आप कमाते, सैलरी कमाते बाहर कहीं पर अर्न करते, वो सर्विसेज अगर आप बाहर देते तो उसका क्या? तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमारा एक तरीके से सैलरी,
क्योंकि आप बाहर कमाते और जो इंटरेस्ट जो आपके कैपिटल में मिलता है, इस तरीके के एक्सपेंस जो होते हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई सर। इसके बाद आपने दो चीज बताई थी हमको, नॉर्मल प्रॉफिट आपने बोला था, नॉर्मल प्रॉफिट कब क्या होता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपका इकोनॉमिक कॉस्ट कवर कर पा रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट कवर कर पा रहा है, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट कवर करना मतलब क्या हुआ सर? इन दोनों को कवर करना, इन दोनों को कवर करना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट वो हुआ जो अपना अकाउंटिंग कॉस्ट को कवर कर ले, इम्प्लिसिट कॉस्ट को कवर कर ले और कुछ भी ना कर पाए। इसका ये मतलब हुआ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। मतलब तुमने जो खर्चे किए वो तो निकाल लिए, जो तुमने खर्चे किए वो तो निकाल लिए, जो तुम्हारे पर सैलरी वगैरह बाहर से अगर कुछ कमाते हो तो वो भी आ गया, तुम्हारी कैपिटल पर रिटर्न भी आ गया, लेकिन इसके ऊपर तुमने कुछ नहीं कमाया, उसके ऊपर तुमने कुछ नहीं कमाया। तो इसको हम प्यार से इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं सर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर जीरो इकोनॉमिक, या फिर जीरो इकोनॉमिक। हाँ सर समझ में आया। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब केवल मैं अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट को कवर कर पाया, केवल मैं अपनी अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को कवर कर पाया, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे या फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है सर। सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलेंगे? सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको बोलेंगे जब मैं अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर भी कुछ कमा पा रहा हूँ, अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर भी कमा पा रहा हूँ। सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि मैं ओवर एंड अबव दिस नॉर्मल प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, मतलब कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर कुछ कमा पा रहा हूँ। सर मतलब क्या? सर एग्जाम्पल दोगे? सर एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें सैलरी तुम दे रहे हो, सैलरी 10,000 रुपये दिया, ठीक है, सैलरी 10,000 रुपये दिया। सर रेंट दे रहा हूँ, सर मैं रेंट 20,000 रुपये दिया, सर रेंट 20,000 रुपये दिया, ठीक है सर। ये सैलरी और रेंट ये दोनों क्या हो गया सर? ये दोनों तो अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई, अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई, ये तो अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई। इसके बाद सर हमारी जो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। सर अगर मैं यहाँ पर जो है ये वाला बिजनेस नहीं कर रहा होता जहाँ पर मुझे ये सैलरी रेंट वगैरह देना पड़ता, तो ये जो मैं खुद की सैलरी पता कितनी होती है मेरी? सर मेरी 50,000 महीने सैलरी होती है। वो तो मुझे बिजनेस करना है तो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ओन सैलरी जो मैं जो खुद की सैलरी जो मैं कमाता ना वो इतनी थी। और सर इसके अलावा जो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो मैंने कैपिटल बिजनेस में लगा दी ना, ये जो मैंने कैपिटल बिजनेस में लगा दी ना, इसको अगर मैं और कहीं स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाता ना तो हर महीना मेरे को 10,000 रुपये मिलता, हर महीना मेरे को 10,000 रुपये मिलता। टोटल करो कितना हो गया सर? 20 + 10 = 30,000, 30 और 50 = 80 और 90,000, सर 90,000, सर 90,000। अगर अब तुम्हारा टर्नओवर, अब तुम्हारा टर्नओवर केवल 90,000 है, इसका ये मतलब है कि तुम नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब तुमने 90,000 का टर्नओवर किया और केवल अपनी ये वाली कॉस्ट को ही तुम निकाल पाए। केवल 90,000 के टर्नओवर में तुम सैलरी रेंट खुद का अगर और कहीं कमाते वो निकाल पाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए, इसको हम बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर तुम्हारा टर्नओवर, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा टर्नओवर 1,50,000 रुपये होता, 1.50 लाख रुपीज होता, तो तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाते, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाते मतलब ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब कि द सम ग्रेटर द रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इतनी बात समझ में आई क्या मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आई तुमको? एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया, समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। सर आउटले कॉस्ट क्या होती है? सर आउटले कॉस्ट क्या होती है बताओ ना। सर आउटले कॉस्ट होती है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर फंड्स वेजेस वगैरह रेंट इंटरेस्ट वगैरह में करते हैं, एक तरीके से ये अकाउंटिंग कॉस्ट ही हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट ही हो गई, दूसरा नाम उसका देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो ऑल्टरनेटिव मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैंने कर दी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, सेक्रीफाइस ऑल्टरनेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था तुमको? एग्जाम्पल दिया था अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन इसकी बजाय अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता तो मैं और कहीं जॉब करता और सैलरी जो कमाता उसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता हूँ। सर सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई? जो डायरेक्ट मेरे को एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर अलोकेटेड दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, वो आपका एक गुड को प्रोड्यूस करके फिनिश आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है, तो ये मशीन पे लगने वाली जो कॉस्ट है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट है। वो मुझे समझ में आ रही है कि डायरेक्टली लग रही है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और सर इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं? नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट
जिसको बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सर मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट को सप्लाई हो रही है सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैं ये इलेक्ट्रिसिटी भिजवा रहा हूँ, तो जो कॉस्ट लग रही है, जो कॉस्ट लग रही है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लग रही है सर, वो डायरेक्टली मैं नहीं निकाल पा रहा कि किस प्रोडक्ट पर कितनी लग रही है, तो उसको हम नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट बोलेंगे. सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट उसको बोलेंगे. इंक्रीमेंटल कॉस्ट एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट हुआ, मतलब क्या एक एडिशनल यूनिट पर कितनी कॉस्ट लग रही है उसको मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलूंगा सर. सर जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना मशीन चल रहा था नॉर्मल, अपना काम चल रहा था, लेकिन मुझे जैसा लगा कि यार ये मशीन को ना बदल देना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए. इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड बाय फर्म व्हेन इट टेक्स अ डिसीजन टू चेंज इट्स प्रोडक्टिव, रिप्लेस वन आउट मशीनरी बाय अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी और रिक्वायर न्यू सेट ऑफ लाइंस. मतलब क्या, अभी तक मैं ये एक्टिविटीज नहीं कर रहा था. क्या सर, क्या नहीं कर रहे थे आप? ना मैं प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर रहा था, ना मैं मशीन को चेंज करने की सोच रहा था, ना मैं नए क्लाइंट्स एक्वायर करने की सोच रहा था, ना नया प्रोडक्टिव फैसिलिटी को मैं काम पे लगाने की सोच रहा था. लेकिन अब मैं अगर लगाऊंगा और उससे कितनी कॉस्ट आएगी उसको मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट. बात समझ में आई इंक्रीमेंटल कॉस्ट की? हाँ सर. सर इसके बाद मैंने संक कॉस्ट पढ़ा था. संक कॉस्ट मतलब होता है जो डूब गई लागत, जो इसकी लग गई, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एक बार मैंने खर्चा कर दिया मतलब कर दिया, अब वो डूब गया. अगर मैं उसको फिर भी अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करूंगा तो क्या फायदा निकलेगा? अगर तुमने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अब मैं बोलूँ सर ये 1 लाख रुपए का तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, आप बताओ हमको बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो 1 लाख को मद्देनजर रखते हैं. अरे भाई 1 लाख तो लग गया ना, इट इज अ संक कॉस्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगी वो भी संक कॉस्ट है. ठीक है सर. सर अगर आपने फिक्स्ड फैसिलिटीज सच एज रेलवे लाइन एक बार बिछा दी, वो लग गई सर, एक बार वो लग गई मतलब लग गई, उसको रिकवर भी नहीं कर सकते, संक कॉस्ट है वो. संक कॉस्ट है डूबी हुई कॉस्ट, डूबत कॉस्ट. ठीक है सर. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरे को याद आ रहा है सर, 11th 12th में वो जो क्वेश्चन करता था ना और दिया होता था सर, मशीन परचेस करी है 1 लाख रुपए की, लेकिन इसके इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपए लग गए. ये इंस्टॉलेशन में जो लगी हुई कॉस्ट है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है. जब हम असेट्स वगैरह परचेस करते हैं, when we acquire any productive asset और उसके साथ जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं. बात समझ में आ रही? हाँ सर. और रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसको बोलते हैं कि जो ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है उसको हमने रिप्लेस करवाया तो हमको कितना कॉस्ट लगा. द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रिप्लेस दी ओल्ड असेट, उसको बोलेंगे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जो रिप्लेस करवाने में हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं. बात समझ में आ रही? जल्दी से बोल दो, फटाफट बोल दो. बहुत अच्छा हमारा ये रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, और तुमको ये नोट्स भी बहुत इफेक्टिवली हेल्प करने वाले हैं. जल्दी जल्दी बोलो. हाँ सर याद आ रहा है मेरे को, मैं रिविजन कर रहा हूँ फटाफट, लेकिन याद सब कुछ आ रहा है. सर एक प्राइवेट कॉस्ट थी और एक सोशल कॉस्ट थी. सर प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट मेरी इंटरनली फर्म में लग गई, इनकर्ड बाय फर्म्स, जो बिजनेस डिसीजंस वगैरह में जो टोटल कॉस्ट लग जाती, सैलरी वेजेस वगैरह सब कुछ जो मैंने खुद ने लगाया ना, वो प्राइवेट कॉस्ट होती है सर. और ऑन दी अदर एंड सोशल कॉस्ट क्या होती है सर? सोशल कॉस्ट में ना प्राइवेट कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी इंक्लूड होती है. सर एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब क्या? सर एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब जो आपने पॉल्यूशन करा है, जो आपने रिवर्स को गंदा किया है, तुमने जो एटमोसफेयर में गंदगी फैलाई है, उसकी जो सही करने की कॉस्ट है, प्लांट्स वगैरह लगाने की जो कॉस्ट है, उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं. सर मतलब प्राइवेट कॉस्ट एक हो गया. एक प्राइवेट कॉस्ट तो मतलब जो फर्म्स वगैरह जो है गंदगी करती है या फिर एक्सपेंसेस करती है, वेजेस सैलरी वगैरह सब कुछ आ गया. और एक सोशल कॉस्ट हो गई. सोशल कॉस्ट में दोनों इंक्लूड है सर, एक प्राइवेट कॉस्ट और एक एक्सटर्नल कॉस्ट, जो कि ये सब सही करवाने में जो चीजें लगेगी वो भी सारी हमारे इंक्लूड हो जाती है सोशल कॉस्ट. ठीक है सर. इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमको याद आ रहा है. फिक्स मतलब जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हमारा आउटपुट. ठीक है सर. फिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल दो ना सर, रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन वगैरह, जो कि फिक्स रहेंगे चाहे आपका आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सर हमारे फिक्स रहेंगे. सर फिक्स का आप ग्राफ वगैरह भी बता देना. ठीक है सर, बिल्कुल बता दूंगा. कुछ कुछ जो है हमारी फिक्स कॉस्ट, हमारा बिजनेस बंद हो भी जाता है ना तब भी लगती है. सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट भी एक बार हमने लगा दिया तो लगा दिया, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है. बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर. बिल्कुल समझ में आ रही. सर वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या हुए? सर वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल अदर इनपुट्स का जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगना है वो लगना ही है. सर कॉस्ट फंक्शन पर बात आती है. जब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है सर? मैथमेटिकल रिलेशन है एक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में और वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट. ओ हो, मतलब एक कॉस्ट कितनी लगनी है और उस पर जो डिटरमाइन फैक्टर्स हैं वो सब मिलाकर आता है. जैसे कौन कौन से सर? सर हमारा टेक्नोलॉजी क्या है,
हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी एफिशिएंसी क्या है, हमारा टाइम पीरियड क्या है, ये सब मिलाकर हमारा कॉस्ट फंक्शन निर्धारित होता है कि यार इन सब की वजह से आखिरकार कॉस्ट कितनी आ रही है। सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ इस केस में? सर हमारी कॉस्ट डिपेंड करती है, आर कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन सर टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, कैपेसिटी क्या यूज कर रहे हो, एफिशिएंसी क्या यूज कर रहे हो, टाइम पीरियड क्या यूज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है तुमको? क्या तुमको नोट्स से थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है? हाँ सर ठीक है, ठीक लग रहा है सर, नोट्स आपके सिंक्रोनाइज समराइज हैं, जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे आखिरी दिन, ऐसा फील आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर ये फिक्स कॉस्ट का आपने डायग्राम बता दिया कि सर हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जाए, चले जाएंगे हम आउटपुट इंक्रीज करते हुए, लेकिन हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है? अडिग अमर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड सर, एक ही जगह एक ही धरातल पर जो अटका हुआ है वो है फिक्स्ड। ठीक है सर, ओके सर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीजों से हमारा जो है फिक्स कॉस्ट वगैरह इफेक्ट होता है। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है, ये हमेशा डेफिनेशन में आता है। शॉर्ट रन पीरियड कौन सा होता है जिसमें केवल एक वेरिएबल फिक्स रहता है और उसके अलावा सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, ऐसा हमारा शॉर्ट रन होता है। बात समझ में आ रही है सर। इसके बाद आपने कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट की बात करी थी। कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या बोला था? कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या बोला था सर? जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा सर, मेरी कॉस्ट ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, ऐसा हमारा कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना, मैं एमसीक्यू भी बताते जा रहा हूँ तुमको कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या हुआ है सर? लेबर एम्प्लॉयड, रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, ये सारे जो है वेरिएबल कॉस्ट के जो है वो रीजन है सर। सेम ही वेरिएबल का होता है, बोला था फिक्स्ड और फिल वेरिएबल। सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर लिखा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर लिखा होता है कि भाई तुम्हारा जो है ना इतने यूनिट्स पर, डैश डैश यूनिट्स पर इतना तो फिक्स्ड आपके 500 रुपये महीना है और आपने इसके ऊपर इतने यूनिट जलाए तो इसके एक्स्ट्रा रुपीज 1500 दे दो, तो आपका टोटल 2000 रुपये हुआ, आपका टोटल 2000 रुपये हुआ। अब ये जो 2000 है ना, ये 2000 जो है ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इतना तो फिक्स्ड था और इतना वेरिएबल। अगर तुमने कुछ यूज नहीं भी करते तो महीने में, अगर महीने में तुम कुछ भी नहीं यूज करते तो भी 500 रुपये तो 500 रुपये तो लगा ही देते, 500 रुपये तो लगा ही देते। इसीलिए ये इतना तो फिक्स्ड रहा, इतना तो फिक्स्ड रहा मेरे दोस्त, इतना तो फिक्स्ड रहा, इतना तो फिक्स्ड रहा, तुम कुछ यूज करो या ना करो, लेकिन फिर जैसे जैसे तुमने जो है जैसे जैसे तुमने यूनिट्स बनाया ना, ये थोड़ा ऊपर ऊपर की तरह जाते रहा। मतलब अगर 0 यूनिट्स होते तो इतना होता, लेकिन 1 यूनिट हुआ तो इतना हो गया, 2 यूनिट हुआ तो इतना हो गया, मतलब थोड़ा सा ये वेरिएबल वाला पोर्शन इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते हो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिसने अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है हमारे साथ, बस चलते बनो, मैं आखिरी में तुमको पूरा रिवाइज करा दूंगा या फिर तुम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाओगे, उसकी चिंता नहीं करना, बस मेरे साथ चल पड़ना इस छोटी सी कॉस्ट की दुनिया में। ठीक है सर। सर एक स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट होता है। सर स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सर एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो वो फिक्स रहता है, जैसे यहां तक, जब तक मेरे 1 यूनिट में बना रहा था, फिर 100 यूनिट में बना रहा था, मेरा जो है फिक्स यहीं तक रहा, लेकिन जैसे ही मैंने 101 यूनिट बनाई, जैसे ही मैंने 101 यूनिट बनाई, ये ऊपर तक छलांग मार गया, फिर ये सीधा रहा हमारी 200 यूनिट तक सेम रहा, 200 यूनिट तक सेम रहा, लेकिन जैसे ही मैंने 201 वाली बनाई तो ये ऊपर चले गया। इसको हम बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। सर एग्जाम्पल दो ना, सर एग्जाम्पल दो ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था एक सुपरवाइजर रखा है हमने, सुपरवाइजर रखा है जो कि 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करता है। अब ये 100 यूनिट जब तक रहती है ना, तब तक तो वो आराम से कर सकता है, आराम से सुपरवाइजर हमारा इंस्पेक्शन करता है, लेकिन जैसे ही मैंने 101 यूनिट्स बनाई ना, जैसे ही मैंने 101 यूनिट्स बनाई ना, तो मेरे को एक्स्ट्रा सुपरवाइजर रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा सुपरवाइजर को रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा सुपरवाइजर को रखना पड़ता है। फिर मान लो 200 यूनिट्स तक तुमको केवल कितने सुपरवाइजर रखने पड़े सर? केवल 2 सुपरवाइजर। फिर वापस 201 यूनिट बनाई तो मेरे को कितने रखने पड़े? 3। मतलब क्या, 100 तक तो ये फिक्स्ड है, 100 तक तो भाई फिक्स्ड है, लेकिन लेकिन एक्स्ट्रा जैसे मैंने 100 यूनिट्स बनाई और जैसे मैंने 101 यूनिट बनाने लगा, थोड़ा सा बनाने लगा, तो कॉस्ट हमारी कहाँ चली जाएगी? यहाँ कॉस्ट हमारी केवल यहाँ पर 10,000 रुपये लगते हैं, अब यहाँ पर यहाँ तक 20,000 रुपये लगेंगे, और 20,000 कहाँ तक लगेंगे सर? ये 200 यूनिट्स तक लगेंगे, 200 यूनिट्स लगेंगे 20,000 रुपये। लेकिन लेकिन फिर वापस ये जैसे 201 यूनिट्स बनाने लगा तो ये वापस ऊपर चले जाएगा, अब 30,000 रुपये लगने लगे। जब ऐसा ऐसा ग्राफ बनने लगता है, जब ऐसा ऐसा ग्राफ बनने लगता है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, दोस्तों ऐसा हमारा ग्राफ दिखने लग जाता है। क्या तुमको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों? दोस्तों दिख रहा है या नहीं? हाँ सर समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है, नोट्स में हमको बाद में सहूलियत रहेगी,
याद करने में भैया हमने क्या पढ़ा था। बात समझ में आ रही है दोस्त? हाँ, पूरा ध्यान इधर रखना। अगर तुमने मिड से भी ज्वाइन किया है मेरे को सेशन में, तो तुमको बहुत आनंद आने वाला है आगे। बस मेरे साथ बने रहना, बस मेरे साथ बने रहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। एंड वी आर रेडी टू गो। आज होली पर ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, लोगों के स्टेटस वगैरह ही देख पाए ज्यादा ज्यादा, और बस कहते रहे भैया अपन कब पास होंगे, अपन कब जो है होली खेलेंगे। लेकिन सर अभी ठीक लग रहा है, कल क्लास नहीं थी, अभी बस मेरे साथ जुड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आपने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स बताया हमको, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व बताया। सर तीन प्रकार के कॉस्ट कर्व आप यहाँ पर बताना चाह रहे हो, यहाँ पर तीन प्रकार के कॉस्ट कर्व बताना चाह रहे हो। सर टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि आपने बता दिया कि भैया आउटपुट भले इंक्रीज होता रहे, आउटपुट भले इंक्रीज होता रहे, हमारा जो है टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर सेम है, टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर सेम है, सेम टू सेम हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हमको दिख गया। सर इसके ऊपर आपने एक बात बताई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और ऐसा गया। सर शुरू में ये ऊंट जैसा उठा, शुरू में ये ऊंट जैसा उठा, ये क्या शो कर रहा है? सर ये शो कर रहा है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है इनिशियली इंक्रीज हुई है डिक्रीजिंग रेट से, इनिशियली इंक्रीज हुई है डिक्रीजिंग रेट से। ये जो ऐसा उठा ना, धीरे से उठा ना, ये शो कर रहा है कि हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई है डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई यहां तक? और फिर ये एकदम से इंक्रीज होने लग गया, फिर ये एकदम से इंक्रीज होने लग गया, ऐसा क्यों हुआ सर? सर ये इसलिए हुआ, फिर इंक्रीज होने लग गया वो इंक्रीजिंग रेट से, पहले इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि उस टाइम यहां पर मेरा टोटल प्रोडक्ट, यहां पर मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने लग जाता है डिक्रीजिंग रेट से, बाद में मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है डिक्रीजिंग रेट से। पहले यहां तक लग रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, यहां पर लग रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों शुरू हुआ, हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सर यहाँ तो इतनी तो फिक्स कॉस्ट है। ओहो हो, वाह 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 वाह, ठीक है सर, इतनी तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसीलिए यहाँ से शुरू हुआ। और इसकी भी जो रिलेशनशिप है ना, ऐसी ही है, यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीजिंग रेट से बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और यहाँ से फिर इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीजिंग रेट से बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। याद आ रहा है प्रोडक्शन वाला चैप्टर? क्या याद आ रहा है? ओके सर, याद आ रहा है। और ये हमारा शॉर्ट रन का ग्राफ था, हमने इस हिसाब से इसको समझ लिया। सर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बता दो अब, ये ग्राफ सबको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको भी हल्का हल्का समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बता दो हमारे दोस्तों, जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुमको सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैब याद आ गया, ठीक है सर, ओके वी आर डन। मेरी बात सुनो, इसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? कुछ नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता है, सर अगर इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो सर ऐसा यहाँ पर आउटपुट आता है, और यहाँ पर कॉस्ट आता है। सर टोटल फिक्स कॉस्ट का जब ग्राफ बनता है ना, तो वो ऐसा बनता है एकदम सीधा, टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने अभी तुमको ऊपर बताया। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता जाता है और ये एकदम कांस्टेंट रहता है, हमारा जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज। कभी भी लेकिन x एक्सिस को ये छुएगा नहीं, क्योंकि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। ये है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है सर, समझ में आ रहा ना? हाँ सर, आ रहा। सर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा सर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, इट कम्स बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट। जैसे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला, कैसे निकाला था सर? हम यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटपुट से,
नंबर ऑफ आउटपुट से तो हमारा क्या आ जाता है सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, सोचो 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 ना सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले जो है डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, ऐसा बनेगा चांद सा मुखड़ा, ऐसा बनेगा। बात समझ में आई? क्यों 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 क्योंकि सर इट विल फर्स्ट फॉल एंड देन रिच मिनिमम एंड देन राइज, क्योंकि पहले हमारा टोटल कॉस्ट पहले 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 यहां पर हमने देखा था, यहां पर हमने देखा था इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही है कि जो पहले डिक्रीज होता है फिर अपने मिनिमम पर आता है एंड फिर वो इंक्रीज होता है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। और एवरेज टोटल कॉस्ट वो दोनों का एडिशन होता है, लेकिन ये इसके ऊपर रहेगा, इन दोनों के ऊपर रहेगा, तो ये हमारा ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा और हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसा कट करते हुए जाता है। हमको ध्यान आ रहा है सर, फिर आपने सर हमको टेबल के थ्रू समझाया था सर, टेबल के थ्रू क्या समझाया था सर, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो कि फिक्स रहती है, हर यूनिट पर फिक्स रहती है। हाँ सर फिक्स दिख रही है हमको सर, हमेशा फिक्स रहती है सर। वेरिएबल कॉस्ट आपकी सर, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है सर, ये भी ध्यान आ रहा है सर। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी सर। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं सर, इस टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 1000 डिवाइडेड बाय 3 333, ऐसे कर करके हमारी टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, ऐसे करके हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटपुट्स, कैसे सर, 50 डिवाइडेड बाय 1 50, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 140 डिवाइडेड बाय 3 46.67, 196 डिवाइडेड बाय 4 49, ऐसे करके आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। और टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लेंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, कैसे सर, 1000 प्लस 550 1050, 500 प्लस 45 545, 333 प्लस 46 380, ऐसे करके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, इसमें हम टोटल कॉस्ट जो अभी की है इसमें पुरानी वाली टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अभी वाली है इसमें पुरानी वाली माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर अगर हमको निकालना रहा तो 50 माइनस 0 कितना आया 50, या फिर टोटल कॉस्ट देख लो 1000 50 माइनस 1000 कितना आया 50। हाँ सर सेकंड नंबर पर देखो क्या आ रहा है सर, सेकंड नंबर पर देखें अगर हम, तो यहां आ रहा है 90 माइनस 50 कितना आया 40, या फिर 1090 माइनस 1050 सर 40, ये कैसे आया सर, 140 माइनस 90, या फिर 1140 माइनस 1090 50, ऐसे करके हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगा, ऐसे करके हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगा। सारे फिगर्स तुमको क्लियर है कैसा है, सारे फिगर क्लियर है तुमको कैसा है? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा क्लियर है सर, पूरा पूरा क्लियर है। यहां पर तुम देखो, यहां तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुआ है, यहां तक तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुआ। ये देखो 50 से 40 हुआ फिर इंक्रीज होने लग गया। मतलब कि सर ये वाला फेस कौन सा है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है ये वाला फेस कौन सा है सर, ये मार्जिनल कॉस्ट यहां तक डिक्रीज हुआ, ये बताना चाह रहे हो? हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ ना, यही बताना चाह रहा हूँ। देख यहाँ पर 50 से 40 डिक्रीज हुआ ना, तो ऊपर ग्राफ में भी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है सर, जब ये 50 से 40 डिक्रीज हुआ ना तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 से 90 तो हुआ, मेरा टोटल कॉस्ट 1050 से 1090 तो हुआ, लेकिन ये इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से। ये जो दोनों है ना ये तेरे इंक्रीज हुए हैं डिक्रीजिंग रेट से, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज इसी टाइम पर ये तो तू देख रहा है टोटल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर इसी की जगह तू प्रोडक्शन वाला चैप्टर याद करेगा ना, तो इसी जगह आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से।
इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। हाँ सर दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा। हाँ सर मेरा मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा, और इसी टाइम पर तेरा तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा, तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा। याद आ रही है सर? हाँ सर याद आ रही है। याद आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल याद आ गया। हाँ सर याद आ गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ? इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता गया। इंक्रीज हो रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पुराना वाला बताऊं जहां पर हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, कहाँ हो रहा था सर? सर टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट पर। टोटल कॉस्ट का मैंने ग्राफ इधर बना नहीं रखा, वरना तुमको मैं बता देता टोटल कॉस्ट। लेकिन लेकिन इसी की जगह जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाने लगा। ये देखो, यहां पर मैं बताना चाह रहा था, ये जो मैंने पहले ही बात करी थी तुमसे, इस वाली स्टेज की हमने बात करी, जब मार्जिनल कॉस्ट अपना फॉल होने लगता है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल होने लगता है। हाँ सर ये समझ में आ गया। यहां तक जब हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, ये मैंने बताया ना, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर मार्जिनल कॉस्ट फॉल होता है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल होता है, ठीक है सर, इतना समझ में आया। लेकिन जब इसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब, यही तो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है कि हम पूरे फोकस के साथ कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। सर जब अपना मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, सर कौन से पीरियड की आप बात कर रहे हो? सर मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, या फिर आप बोलो तो मैं इस वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस वाले पीरियड, जब एकदम से ऊपर जाने लगता है, जब एकदम से ऊपर जाने लगता है, ठीक है सर। इस वाले पीरियड में क्या होता है? इस वाले पीरियड में क्या होता है सर? मेरा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है, और सुनो ध्यान से दुनिया वालों, हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है इंक्रीजिंग रेट से। अच्छा, ठीक है सर, मतलब ये वाला पीरियड है जब मेरा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट राइज होगा। हाँ सर इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि आपका टोटल प्रोडक्ट इसी वक्त, आपका टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला चैप्टर इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीजिंग रेट से, मतलब कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा होगा। सर याद आ गया, सर याद आ गया मेरे को, बिल्कुल याद आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं प्रोडक्शन वाला चैप्टर एक बार और देख लूंगा, उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। बात समझ में आई सर? बिल्कुल बस सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तुमको समझ में आया? इतना तुमको समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक रिलेशनशिप तो ये वाली थी, ये हमारी रिलेशनशिप बहुत प्यारी सी, बहुत इजी वाली रिलेशनशिप अपनी थी। ये वाली रिलेशनशिप तुम्हारे एकदम भेजे में धीरे धीरे उतार लो, धीरे धीरे उतार लेने को, धीरे धीरे उतार लेने को। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन अपन ने बहुत आसानी से इसको समझ लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और जिसको नहीं आया होगा वो पुराना वाला चैप्टर मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेगा, तो उसको भी आ जाएगा, चिंता करने की वाली बात है नहीं, ठीक है सर? सर सर ठीक है सर, ये किसकी वजह से होता है? सर ये किसकी वजह से होता है? सर ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं सर? हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है सर? याद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया श्रीनिधि, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात समझो सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसी के कारण जब ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, अब मैं तुमको एवरेज कॉस्ट वगैरह बता, ये समझ में आ गया ना? ठीक है सर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको ये ग्राफ में देखने को मिल जाता है सेकंड वाले फेज में, ये डिमिनिशिंग रिटर्न की खासियत है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न की खासियत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुमको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है ना, बस मेरे साथ बने रहना, मैं तुमको एट द एंड पूरा करवा के ही दूंगा, चिंता मत करना। शायद हो सकता है वो तुमको इस रिविजन में ना आए, लेकिन अगले वाले रिविजन में 100% आ जाएगा, जिससे दूसरे बच्चों को आ गया। तो चिंता बिल्कुल भी करने वाली बात नहीं कि सर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे साथ कहा है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लाइक कर दो गाइस, गीतांजलि कह रही है लाइक कर दो, मेरी बात सुनो। यहां पर तुम देखोगे, यहां पर तुम देखोगे एक अपना मार्जिनल कॉस्ट है, और अपना एक जगह मार्जिनल कॉस्ट है, और एक है अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक है अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक है अपना मार्जिनल कॉस्ट। दिख रहा है सबको? मुझे बताओ, दिख रहा है सबको? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तरफ तुम देखोगे अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एक तरफ अपना मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तुम देखोगे अपना मार्जिनल कॉस्ट पहले जो है डिक्रीज हुआ, और फिर इंक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया। उसी प्रकार हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट पर इसके बीच में मैं एक तुमको प्यारी सी रिलेशनशिप बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट छोटा रहता है एवरेज कॉस्ट से, क्या बोला सर? जब तक ये भाई साहब अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर ये 45 छोटा रहता ना इनसे, बात समझना, बिल्कुल बात समझना। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट 50 बराबर है वैसे तो, लेकिन 40 छोटा है ना 45 से, 40 छोटा है ना 45 से। हाँ सर, जब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट छोटा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल करने लगता है, हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल करने लगता है। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो सर एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर आ जाता है, और जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट राइज होने लग जाता है, एवरेज कॉस्ट राइज होने लग जाता है। ये रिलेशनशिप हमको थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, कि जब तक हमारा भाई साहब, क्या 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 सर, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ। जब तक हमारे मार्जिनल कॉस्ट साहब, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये सर हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट ध्यान रखना दोस्तों, जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट येल्लो वाला, ये छोटा रहेगा अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है सर? ये जो मैंने स्काई कलर का कर दिया थोड़ा सा, जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट छोटा रहेगा, ये नीचे रहेगा ना, जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट येलो वाला नीचे रहेगा ना, अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होता जाएगा, फॉल होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। लेकिन जब ये टच कर देगा इसको, दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे, अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पर आ जाएगा। तुमको लाइन में भी दिख रहा होगा, हाँ सर हाँ सर, ये अपना ब्लू वाला सबसे मिनिमम पर आ गया। लेकिन जैसे ही ये येल्लो वाला मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चले जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चले जाएगा अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमारा भाई भी ऊपर तक जाने लगेगा, ऊपर तक जाने लगेगा। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया, आप ग्राफ से समझ में आ गया। उसी उसी प्रकार उसी प्रकार जब तक हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट वाला भाई, ये येल्लो वाला भाई, येल्लो वाला भाई, मार्जिनल कॉस्ट वाला भाई, हमारे 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 एवरेज टोटल कॉस्ट, हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट, ग्रीन वाली लाइन देखो, हाँ सर ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक हमारा येल्लो वाला भाई मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगा एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। लेकिन जैसे ही इनने यहां पर कट किया, ये अपने मिनिमम पर पहुंच जाएंगे, और फिर जैसे ही हमारा येल्लो वाला भाई मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चले गया ग्रीन वाला एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आई? ये रिलेशनशिप समझ में आई? ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता समझ में आया तुमको? उसी प्रकार जैसा हमने ध्यान है तुमको, जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा रहेगा अपने एवरेज प्रोडक्ट से, हमारा एवरेज प्रोडक्ट राइज होगा,
जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बराबर होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होगा। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट से, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट फॉल होगा। ये भी अगर तुमको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी अगर तुमको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम मल्टीपल रिविजन में इसको टाइप कर लेंगे। बात समझ में आ गई दोस्त? बात समझ में आ गई दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई सर? सबको बढ़िया, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गया? कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया? कॉन्सेप्चुअली सबको क्लियर हो गया दोस्त? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? जल्दी जल्दी बता दो, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पानी पी लो एक बार, थोड़ा बहुत गा लेते हैं अक्षय भाई तुम्हारे लिए, तुमको थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी लग जाए। हाँ करना क्या है जीवन में। बात समझ में आई? क्या हम आगे बढ़े दोस्त? हाँ सर, टेबल भी समझ में आ गई आपकी और ये ग्राफ भी समझ में आ गया, रिलेशनशिप भी क्लियर है। क्या मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान बता दूं तुमको? क्या तुम साथ हो? सबने पानी पी लिया है? जय महाकाल। दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा सर, दिन रात मेहनत करते हैं सर। जय महाकाल, ठोको लाइक ठोको। हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं समझ में आया तो भाई हम समझने के लिए रेडी हैं, बस अपना माइंडसेट वैसे ग्रो करना है, सब कुछ आसान है अगर तुम ठान लो तो। ठीक है, डन है, डन है सर, डन है, डन है सर, डन है सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मेरे को याद आ रहा है सर, कुछ नहीं कुछ नहीं सर, सर मेरे को याद आ रहा है। इसे छुटकू छुटकू से सर, अपने जो है ना छुटकू छुटकू से शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होते हैं ना, छुटकू छुटकू से, 1 2 3 शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होते हैं ना, तो इन सबको अपन ऐसे ऐसे सबको जमा लेते हैं और ऐसी फर से लाइन काटते हैं, इसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। पर से जो लाइन काटते हैं ऐसे बोर्ड सरी की जो लाइन जाती है एकदम, सारे जो है हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ऐसे छूते हुए जो लाइन जाती है उसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आया। हाँ भाई कार्तिक, बात समझ में आई क्या? हाँ सर सर बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, जो छोटे छोटे हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होते हैं ना, उन सबको जो लाइन नीचे से कट करके जाती है ना, उसको हम प्यार से कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी सी बात समझ लो सर। जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना, उसको हम प्लांट कर्व्स कहते हैं। क्या क्या सर, क्या कहते हैं सर? प्लांट कर्व्स, प्लांट प्लांट छोटे वाले, छोटे वाले कर्व्स को हम कहते हैं प्लांट कर्व्स, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं ना, बारीक बारीक से छोटे छोटे से। और हमारे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है ना सर, लॉन्ग रन सर, इसको हम प्लानिंग कर्व कहते हैं। ओ, क्या कहते हैं? प्लानिंग, प्लानिंग कर्व कहते हैं सर। प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं सर? ये बड़ा होराइजन लेकर चलते हैं ना, ब्रह्मांड का सार, प्लानिंग कर्व इसलिए बोलते हैं। छोटू छोटू को प्लांट कर्व, बड़ों बड़ों को प्लानिंग कर्व। ठीक है सर, छोटू छोटू को प्लांट कर्व और बड़ों बड़ों को प्लानिंग कर्व। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। ठीक है सर, ओके ओके, डन 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 सर। इसके बाद इसके बारे में और कुछ बताओ ना। देखो इसके बारे में ये बताऊंगा मैं, जो हमारा एवरेज कॉस्ट कब होते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब है ना, ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बोलते बनते हैं जनरली, ये इसलिए बनते हैं। ये जो आउटपुट नीचे लिखा हुआ है, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट होता है नीचे, और ये हमने छोटे 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 कर्व्स बना लिए, छोटे छोटे कर्व्स बना लिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है सर, सर यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट ये लॉन्ग रन में हमको बता रहा है कि इतना आउटपुट ऑन एन लॉन्ग रन बेसिस हमको बनाना चाहिए। ये ऑप्टिमम आउटपुट शो कर रहा है, ऑप्टिमम आउटपुट शो कर रहा है पी वाला पॉइंट। ये पी वाला पॉइंट ना ऑप्टिमम आउटपुट शो कर रहा है, जो हमारे SA4 शॉर्ट रन का जो ग्राफ है 4, उस पर टेंजेंट पड़ रहा है पी पॉइंट। ये हमको ऑप्टिमम आउटपुट शो कर रहा है लॉन्ग रन में, मतलब इसके पहले के जो सारे पॉइंट होंगे ना, इधर ध्यान से सुनना दोस्त, इसके पहले के सारे जो पॉइंट होंगे ना, ये हमारे लोअर लोअर क्वांटिटी को बताएंगे कि इससे
पहले अगर पी पॉइंट के इधर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो लॉन्ग रन में, तो आपके लोअर क्वांटिटी को संबोधित कर रहे हो, और इधर की साइड आप करोगे तो ये हायर क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो ये दिखाएगा। अगर पी पॉइंट है तो ऑप्टिमम है, क्योंकि इधर की साइड जो ग्राफ्स कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ये इसके इसके लोअर पॉइंट को कट करते हैं, लोअर पॉइंट्स को कट करते हैं, और इधर वाले सारे ग्राफ इसके हायर राइजिंग पार्ट को कवर करते हैं। इसीलिए ये वाले जो पार्ट्स हैं इस पर प्रोडक्शन तो ठीक है, पी वाला ऑप्टिमम है, बिकॉज ये लोएस्ट कॉस्ट कर्व हमारा SA4 बन जाता है, और इसके बाद के हायर पोर्शन पर कट करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, जो MCQ से रिगार्डिंग मैंने तुमको पढ़ाना था वो मैंने बता दिया, ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है, जो मेजर चीजें थी हमने इसमें कवर कर ली। बात समझ में आई क्या सर? इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, जो कि मैंने तुमको बता दिया। ये टेंजेंट होता है सारे मिनिमम पॉइंट्स ऑफ SAC का, ये मैंने तुमको बता दिया, ये तुमको MCQ में आ सकता है। MCQ वाले भी मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ, चिंता ना करना, बस ये ध्यान से रखना, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है सर। अब ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है आपका ऐसा ग्राफ जो है आपका सर बोट शेप का, ये सर ऐसा बोट शेप का क्यों बनता है, यू शेप का क्यों बनता है सर? ये यू शेप का इसलिए बनता है, ये यू शेप का इसलिए बनता है बिकॉज यहाँ पर तीन चीजें आ जाती है। ये इसलिए आता है बिकॉज तुम याद करो लॉन्ग रन में अपन ने रिटर्न टू स्केल पढ़ा था, एक था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एक था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब होता है ना, ओ हो, क्या बोला सर, क्या बोला सर, मुझे भी सुनना है सर ने कुछ ना कुछ तो बोला अभी। अरे ये बोला मैंने, यहां तक देखो तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है ना भाई, ये जो फॉल पार्ट है ना, ये फॉल पार्ट दिखाता है यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है सर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या था? अरे भूल गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था जब आप इनपुट्स डालो, आप इनपुट्स ऐड करो और प्रोपोर्शनेटली जो आउटपुट आए ना, प्रोपोर्शनेटली जो आउटपुट आए वो ज्यादा आए, आउटपुट ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि हमने जितना इनपुट डाला उससे ज्यादा आउटपुट आया, तो उसको हम बोलते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जब आपने जितना इनपुट डाला उससे ज्यादा आउटपुट आया, मतलब आप जो ये कॉस्ट लगा रहे हैं ये आप बहुत मैनेज करके चल रहे हैं, इसमें आपने बहुत डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, आपको स्पेशलाइजेशन की हेल्प मिल रही है। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जब इकोनॉमीज की हेल्प मिलती है तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, और ये फॉल इसीलिए होता है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फायदा मिलता है। बोलो जय श्री राम। अगर समझ में आया हो तो बोलो हाँ सर बिल्कुल समझ में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, बस ये ध्यान रखना कि भैया जो तुम्हारा यू शेप्ड LAC कर्व है ना, ये रिटर्न टू स्केल की वजह से आता है, बात समझ में आ रही है। ये ध्यान से पढ़ लो। अब एक लाइन तुमको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि तुमको पढ़नी चाहिए, पूरा फोकस दो। सर द एल शेप्ड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इंप्लाइज दैट इनिशियली व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट Associated variable factors. अब सारे factors हमारे long run में क्या है बच्चों? सर सारे factors हैं हमारे variable. तो इसकी वजह से जो per unit cost हमारी rapidly increase होती है due to economies of scale. सबसे पहले तो बहुत फटाफट units increase होती है due to economies of scale. The long run average cost does not increase even after sufficiently large scale of output as it continues to enjoy economies of scale. बात समझ में आ रही है? Short run में तो आपकी per unit cost increase होती है rapidly, लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो जल्दी जल्दी आउटपुट की वजह से इंक्रीज नहीं होती, बिकॉज वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेती है दोस्त, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से टॉपिक्स कवर करेंगे, हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ये सब तुम पढ़ने के लिए रेडी हो, तुम रेडी हो दोस्तों? बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है हमारे इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत अच्छे अच्छे, तुमको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। अभी तक का तुमको पोर्शन कैसा लगा, अभी तक का रिवीजन कैसा लगा, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, अभी तक का रिवीजन कैसा था? हमने बहुत सारी चीजें तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 30-40 मिनट लगा हमने, और पूरा प्रोडक्शन को भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और कॉस्टिंग को भी मिक्स करके तुमको रिवाइज करवाया, और मैंने ईजी नहीं रखा भाई, मैंने तुमको ईजी नहीं करवाया, मैंने नहीं सोचा कि यार जो है बच्चे भयभीत हो जाएंगे, भग जाएंगे जो है अपने लाइफ से, वो मैंने नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश करी अगर तुमको जो है पूरा डिफिकल्ट लेवल तक ले जाया जाए और तुम्हारे दिमाग से खेला जाए, तुम्हारे पूरे पूरे दिमाग से खेला हूँ मैं। मैंने कहीं पर भी ऐसी वो नहीं करी चापलूसी कि नहीं यार सिंपल बता देते बच्चों को कहाँ समझना। तुमने भी देखा होगा मैंने हर चीज़ यहाँ पर पॉइंट ऑफ टी।
बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स धुआंधार तरीके से स्ट्रांग हो गए सुजीत, चिंता मत करो, अभी हम और अच्छी तरीके से करेंगे, मजा आला। श्रीनिधि ने बाद में ज्वाइन किया है हमको, लेकिन शी इज ऑल्सो इंजॉइंग आर क्लासेस, दैट्स ग्रेट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है दोस्त? क्या हम इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कर ले? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ, ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ ले, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, मजा बहुत आएगा। श्रीकांत जी बिल्कुल हमारे से जुड़ जाइए, हमारे साथ श्रीनिधि जी भी हैं, श्री श्री, मजा आएगा। क्या सब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ने के लिए रेडी है? हाँ सर रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? लाइक कर देना अगर सब कुछ ठीक आ रहा हो तो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बिकॉज मेरे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन इन्वर्टर की बदौलत सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन हम लगाएंगे हमारे बोर्ड पर और सब कुछ अब छोड़ देंगे, ठीक है सर? देखो भाई स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल मतलब होता है हमने बहुत कुछ लार्ज प्रोडक्शन में काम किया ना, उसको जनरली हम स्केल बोलते हैं। इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का मतलब होता है कि हमको उससे फायदा क्या हो रहा है, और डिस इकोनॉमीज हमको उससे नुकसान क्या हो रहा है। तो अब हम समझने वाले हैं कि हम जब मैसिव प्रोडक्शन पर जाते हैं, अब जब हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको उससे फायदा क्या होता है और हमको उससे नुकसान क्या होता है। इकोनॉमीज राइज आउट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और ये इंटरनल इकोनॉमीज भी हो सकती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी हो सकती है। ये वाली जो इकोनॉमीज है ना, ये इंटरनल इकोनॉमीज भी हो सकती है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकता है, और ये हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकता है, ठीक है सर? बात समझ में आया, बात समझ में आया सर। इसके पहले आपने बोला था, इसके पहले आपने बोला था, क्या बोला था सर? सर ये मैंने बोला था कि ये जो आपका आपका जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है ना, कॉज फॉल इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है ना, राइज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये मैंने बताया था ना इसका, कि भाई यहां तक जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, और इसके बाद जब इंक्रीज होने लगता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, इतना मैंने तुमको बताया था। हाँ सर ये आपने बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ना, इसको एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज ये सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को अपने में संभाल लेता है, और इसी की वजह से वो काम करता है, ठीक है? ये एनवेलप वाला पॉइंट था जो कि मैं तुमको रिमाइंड करना चाहता था। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ। अब मेरी बात सुनो, जो इकोनॉमीज होती है वो इंटरनल इकोनॉमीज भी होती है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी होती है। हाँ सर होती है, बिल्कुल सर होती है। इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हिच एक्रू टू द फर्म व्हेन इट एक्सपांड्स इट आउटपुट, सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड कम डाउन कंसीडरेबली। सर इंटरनल इकोनॉमीज हमारी घर वाली है, हमारी घर वाली इकोनॉमीज है, बात समझो। इंटरनल इकोनॉमीज हमारी घर वाली है, जब हम फर्म के अंदर प्रोडक्शन करते हैं और हमको जो फायदा मिलता है उसको इंटरनल इकोनॉमीज बोलते हैं, बात समझ में आ रही? मतलब हम अगर अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे घर में कितना फायदा हो रहा है उसको हम इंटरनल इकोनॉमीज बोलेंगे। ये किसकी वजह से अराइज होती है? इट इज ड्यू टू इंड्यूजियस फैक्टर्स लाइक रिलेटिंग टू एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर की वजह से, मैनेजरियल टैलेंट्स की वजह से, मशीनरी क्या यूज कर रहे हो उसकी वजह से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अपना रहे हो उसकी वजह से। मतलब ये फर्म की खुद की, फर्म की खुद की स्केल की वजह से इंक्रीज होने वाली चीजें इंक्रीजिंग इकोनॉमीज में आती है। मतलब हमारी खुद की बदौलत क्या हेल्प हुई उसको इंक्रीजिंग इंटरनल इकोनॉमीज बोलेंगे, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या बोलेंगे? सर पूरे समाज में, पूरे समाज में, पूरी इंडस्ट्री में हमको जो मदद मिल रही है उसको हम बात करेंगे। एग्जाम्पल वगैरह मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, चिंता नहीं करना सर। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है, बस ये समझ लो ये इकोनॉमीज के दो पार्ट है, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब समझना इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज क्या होती है, मतलब अपने घर के अंदर फायदा और नुकसान, अपने घर के अंदर फायदा और नुकसान जब हम जो है एक्सपांशन तरफ जाने लगते हैं, ठीक है सर? देखो सर यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, वी सॉ दैट रिटर्न टू स्केल इंक्रीज इन द इनिशियल स्टेजेस एंड आफ्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट फॉर अ वाइल दे डिक्रीज। इसने शॉर्ट में अपने को क्या बता दिया सर? रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर तो यही था कि सर पहले इंक्रीज होता है, फिर कॉन्स्टेंट जाता है, फिर क्या चले जाता है सर? डिक्रीज हो जाता है। हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है
as to why we get increasing return to scale due to which cost fall and why after a certain point we get decreasing return to scale due to which cost rise. और तेरी की ये पूछना चाह रहा है कि आखिर क्यों रिटर्न टू फैक्टर में पहले इंक्रीज होता है हमारा प्रोडक्ट, हमारा इंक्रीज मिलता है हमको रिटर्न, उसकी वजह से कॉस्ट फॉल होती है, ऐसा क्यों? तो हम बोल रहे हैं ये आंसर इसका ये है, भाई साहब सुनो, द आंसर फॉर दैट इज इनिशियली अ फर्म एंजॉयज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या बात बोल दी आप, बताओ क्या बोल दी, बताओ ये क्या बात बोल दी. पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो भाई, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो और पूरा फोकस अपना इधर की साइड लेकर आ जाओ, बिकॉज कुछ लोग तो हमको तंग करेंगे अपने वाले चैट बॉक्स में, पर उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता तुम ना करो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो. ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि भाई तीन स्टेजेस थी हमारे, रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हैं. सर पहले मुझे याद है रिटर्न टू फैक्टर में आपने बोला था सर पहले हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोल रहा हूं, नॉट रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है. सर फिर क्या होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर होता है. सर यहां पर फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, याद आ रहा है ना. हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है याद आ रहा है. सर मतलब क्या, सर जब जितना इनपुट डाला प्रोपोर्शनेटली आउटपुट ज्यादा आया, सर जितना इनपुट डाला प्रोपोर्शनेटली आउटपुट उतना ही आया, और यहां पर जितना इनपुट डाला प्रोपोर्शनेटली आउटपुट थोड़ा कम आया. ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये सॉरी यार मैं फैक्टर लिख दिया हूं, स्केल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर नहीं स्केल बता रहा था, ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं मैं, ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, तब स्केल है. ठीक है सर बिल्कुल याद आ रहा है. यहां पर ये बोल रहा है इसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है हमारी, इसकी वजह से कॉस्ट इनिशियली हमारी रिड्यूस होती है लॉन्ग रन में. मैंने ग्राफ बताया था ना, लॉन्ग रन का ग्राफ, और यहाँ पे कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है. मतलब जब हमारा ग्राफ ऐसा बना था तो ये वाला जो पोर्शन, फॉल वाला पोर्शन, ये इसकी वजह से आ रहा था, और ये राइज वाला पोर्शन इसकी वजह से आ रहा था. बात समझ में आ रही? तो ये यूं बोलना चाह रहे हैं कि ये कॉस्ट रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अपना क्या फायदा मिल जाता है सर, यहाँ पर हमको मिल जाता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब हम ये समझने वाले हैं सर, ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है, और ये बोलना चाह रहे हैं सर ये इंटरनल दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होना, ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है सर बिल्कुल हम जो है पूरा फोकस अब इधर करने वाले हैं कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होने वाला है. बात समझ में आ रही? कि यूं बोलना चाह रहे थे कि जो आपका आपका इनिशियली जो फर्म है ना, वो इंजॉय करती है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट सफर्स फ्रॉम इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसी की वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, और उसी की वजह से आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है. ये हमको ये बोलना चाह रहे थे. अब मेरी बात सुनना, इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज के अलग अलग तरीके होते हैं. सबसे पहला कौन सा सर? सर इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज में टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज आता है. टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज सुनो ध्यान से. इन टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज क्या होता है सर? ये होता है कि जैसे जैसे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर जाते हैं ना, तो हमको बहुत सारी हेल्प मिलती है ऑन फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी. एज द फर्म इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इट बिकम्स पॉसिबल टू यूज मोर स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑल फैक्टर्स, स्पेशली कैपिटल इक्विपमेंट एंड मशीनरी. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अच्छे लोगों को हायर करने लगते हैं, हम अच्छी मशीनरी लगाने लगते हैं, इसीलिए अपने को टेक्निकल इकोनॉमीज मिलती है. इसकी वजह से कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इनपुट रेशियो आउटपुट रेशियो बढ़ता है, इनपुट टू आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास अच्छी मशीनें हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो है टेक्निकल इकोनॉमीज में काम में आता है. बात समझ में आई? ग्रेटर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर काम में आता है, स्पेशलाइजेशन और अच्छे से पॉसिबल होता है. लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम,
क्या होता है सर, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको फेस करने लगती है, हमारे मैनेजमेंट में जो है लॉन्ग रन कॉस्ट डिफिकल्टीज होती है मैनेजमेंट में सर, एक्साइज कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन काम करने में दिक्कत होती है। मतलब कि टेक्निकल इकोनॉमीज तो हमको मिली, थोड़े टाइम तक तो बहुत मजा आया, हमको बहुत हेल्प मिलने लगी, सब अच्छे से काम कर रहे थे, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था, स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी कॉस्ट कम हुई, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमको इंटरनल डिस इकोनॉमीज भी हुई टेक्निकल टर्म्स में। टेक्निकल टर्म्स बात समझ में आया, टेक्निकल टर्म्स पर भी हमारे जो है बहुत गड़बड़े हुई। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ गई सबको? सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया दोस्त, सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ, पहला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। सर इसके बाद मैनेजमेंट इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज भी होती है। सर मैनेजमेंट इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज क्या होती है? सर मैनेजमेंट इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज क्या होती है? सर शुरू शुरू में ना क्या हो रहा था सर, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग रख रहे थे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, हम अच्छे से इसको डिवाइड कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, अच्छे से डिवाइड कर रहे थे, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, कॉस्ट कम हो रही थी, रिटर्न टू स्केल हो रहा था। हमेशा याद रखना क्या हो रहा था, मैनेजमेंट सही मिल रहा था, इसके कारण रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर गए थे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा था, बिकॉज हमारा काम सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे सेल और होने लगा, हम जो है अलग अलग सेक्टर में जाने लगे, एडवर्टाइजिंग, एक्सपोर्ट्स, कस्टमर सर्विस, और ज्यादा एक्सपांशन होने लगा, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी कम हुई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ना हो पाई, वो सर और ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन गैप हो रही थी, मैनेजर और लेबरर्स अमंग द मैनेजर्स बिकम डिफिकल्ट रिजल्टिंग इन डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत टाइम से हमारे डिसीजन आ रहे थे। तो क्या हुआ लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में सर इसकी वजह से डिसीजन लेट आया, प्रोडक्शन आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे चले गया, और हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऊपर की तरफ जाने लगी, वो चांद वाला चेहरा था ना हमारा, ऊपर की तरफ जाने लग गया, मैनेजमेंट मैनेजरियल डिस इकोनॉमिक्स की वजह से। बात समझ में आ रही? जैसे क्या क्या होने लगा था सर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया, ग्रेटर ब्यूरोक्रेसी होने लग गई, रेड टेपिज्म होने लग गया, कम्युनिकेशन लाइंस का बैरियर होने लग गया, और इन सब की वजह से क्या हुआ सर, सर एफिशिएंसी कमजोर हुई, प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट कमजोर हुई, और फर्म जो है हमारी बहुत गड़बड़ करने लगी। बात समझ में आई तुमको? दूसरा वाला समझ में आ गया? जल्दी बताओ, मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी समझ में आया? मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है सर सुजीत भाई, कुछ भी नहीं, जब हमारा जो अच्छा सा मैनेजमेंट काम कर रहा था तो रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर गए और हमारा कॉस्ट कमाया, ये बस सिंपल सी बात करिए। रेड टेपिज में मतलब एक दूसरे के ऊपर डालना, एक दूसरे के ऊपर डालना कि इसने ये किया उसने ये किया, वो वाली सारी बात है। बात समझ में आई? जैसे गवर्नमेंट वगैरह डिपार्टमेंट में जो होता है ना। ओके सर, सर कमर्शियल इकोनॉमीज, सर कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज क्या होता है सर? जब हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है ना, तो लार्ज मटेरियल्स लगता है सर, बल्क में हम ऑर्डर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है जब हम बल्क में ऑर्डर करेंगे सर, बल्क में ऑर्डर करेंगे तो हमको लोअर प्राइजेस मिलती है, लोअर प्राइजेस मिलती है सर। जो हमारा स्टाफ काम कर सकता था, जो फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहा था, हमारा सुपरवाइजर को केवल मान लो 100 यूनिट्स इंस्पेक्ट करनी थी, तो अभी हम 50 यूनिट ही बना रहे थे, तो उसके लिए तो 50 यूनिट खाली थी, वो आराम से इंस्पेक्ट कर सकता था, तो वही आउटपुट को इंस्पेक्ट कराने में हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, हमको एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिला कि उतनी ही एडवर्टाइजमेंट लगी, हमारा ज्यादा आउटपुट भी हमारा सेल होने लगा। इसकी वजह से हमारा जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे गिरा, हमको रिटर्न टू स्केल मिली, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फायदा मिला, हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिली। बात समझ में आई? लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सर डिस इकोनॉमीज भी हुई। क्या हुई सर? ऑप्टिमम स्केल में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमको फिर बहुत ज्यादा करना पड़ा, मार्केटिंग ओवरहेड बनने, ये लॉन्ग रन की बात है, और सबका लॉन्ग रन अलग अलग होता है। हमने लॉन्ग रन जो है किसी का भी मापदंड पर नहीं देखा, जैसे SBI का कार्तिक बोल रहा है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज क्या होती है सर? फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज क्या होती है सर? शुरू शुरू में तो हमको फाइनेंस आराम से मिल रहा था, छोटी छोटी फर्म थी, आराम से हमको फाइनेंस मिल रहा था,
अच्छे ऑफर मिल रहे थे, बहुत सारी सिक्योरिटी हम अलग से रख पा रहे थे, एडवांसेस भी हम आराम से उठा पा रहे थे, हम अपनी गुडविल का जो है फायदा उठा रहे थे, इन्वेस्टर्स भी हमसे कॉन्फिडेंट थे, खुश थे, और वो आराम से हम स्टॉक मार्केट पर भी धूम मचा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम बाद क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस विल राइज मोर प्रोपोर्शनेटली आफ्टर ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन, दिस में हैपन बिकॉज ऑफ रिलेटिवली ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस। एक टाइम बाद हम इतने बड़े बन गए कि हमको बहुत दिक्कत आई लोन बनाने में, भैया इतनी बड़ी तुम्हारी जो है कंपनी है, तुमको हम किस जो है बेसिस पे दे, एक काम करो तो हम दे दें, अब इतना बड़ा आपने साम्राज्य क्रिएट कर लिया तो दिक्कत आई है। फिर क्या होता है सर, रिस्क बियरिंग इकोनॉमी, सर शुरू में तो इकोनॉमी होती है रिस्क बियरिंग में, लार्ज बिजनेस जो होता है डाइवर्स एंड मल्टी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वाला इज इन बेटर पोजिशन टू स्टैंड इकोनॉमिक अप एंड डाउन एंड देयरफॉर एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाउएवर रिस्क में इंक्रीज If diversification instead of giving a cover to economic disturbance increases this. मतलब शुरू में तो तुम्हारी risk bearing capacity भी अच्छी खासी होती है, आराम से ups downs absorb कर लेते हो, लेकिन जब तुम बहुत बड़े बन जाते हो ना, तो जब तुम बहुत बड़े बन जाते हो और अगर एकदम से कुछ हुआ तो बहुत difficult हो जाता है, होता है सहन कर पाना। ये तो सारी चीजें ऊपर वाली क्या थी सर, ये इंटरनल इकोनॉमीज थी जो हमारी फर्म खुद पर लगा रही थी, इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज की हमने बात करी, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज जो हमारे साथ खुद के साथ जो जो चीजें हो सकती थी वो हमने बात करी। इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज में तो कोई भी तुमको डाउट नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, तो जल्दी मेरे बात बोल दो, जल्दी से बता दो अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। जल्दी से बता दो, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है दोस्त, किसी भी तरीके का डाउट है तो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो। नो डाउट, कोई भी तरीके का डाउट नहीं, हाँ सर ऑल क्लियर, ये अच्छी बात है। अब यहां पर समझो भैया एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज क्या होती है, अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बात करी थी, हमारे अच्छी और बुरी दोनों बात करी थी, हमारे अंदर जो हो रहा था, अब ओवरऑल मार्केट की हम बात करेंगे, मेरी बात सुनना, इंटरनल इकोनॉमीज होती है इट इज एंजॉयड बाय फर्म ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइज मशीनरी एट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है कि भाई ये तो तुम्हारी आंतरिक आंतरिक क्षमताएं थी, आंतरिक बड़प्पन था, आंतरिक ताकतें थी जो तुमको बहुत हेल्प करी, लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स या फिर डिस इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक्स विच अकर टू फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन इन द आउटपुट इन द होल इंडस्ट्री एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट लेवल ऑफ इंडिविजुअल फर्म। मतलब क्या सर, आपने दो चीज बताई, एक बताया आपने इंटरनल इकोनॉमिक्स जो थी अपनी खुद की फर्म की ताकत, लेकिन एक्सटर्नल क्या होती सर, एक्सटर्नल होती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को क्या फायदा हो रहा है, अगर कुछ फायदा हो रहा होगा प्लस होगा तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमीज, और अगर कुछ नुकसान हो रहा होगा नेगेटिव होंगे तो हम इसको बोलेंगे डिस इकोनॉमीज। प्लस साइन होगा तो क्या होगा सर, प्लस साइन होगा तो हमारा इससे आउटपुट और इंक्रीज हो रहा होगा, कॉस्ट कम हो रही होगी, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है फॉल हो रहा होगा, ये जो फॉलिंग पोर्शन था ना फॉल हो रहा होगा। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव होगा तो क्या होगा सर, नेगेटिव होगा मतलब ये इंक्रीज हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, जैसे हमने इंटरनल प्लस और माइनस की बात करी, हम एक्सटर्नल प्लस और माइनस की बात करें। सर एक्सटर्नल प्लस और माइनस की जब हम बात करते हैं तो सर सबसे पहला पॉइंट आता है चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। जब हम बड़े बनते हैं तो हमारी इंडस्ट्री एज अ होल जो है ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, चीपर रॉ मटेरियल मिलने की संभावना रहती है, एक्सपांशन इन इंडस्ट्री। ध्यान से पढ़ो ये लाइन, पढ़ो सर, एक्सपांशन ऑफ एन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन ग्रेटर डिमांड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अंदर जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री बड़ी होती है ना,
तो बहुत सारे लोग आने लगते हैं, कंपटीशन बड़ा बनता है, और जब कंपटीशन बड़ा बनता है तो आपको जो है आपका रॉ मटेरियल सस्ता मिलने लगता है, और इसी को तो हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, इसी को तो हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं सर। सर टेक्नोलॉजिकल और सर इसके बाद डिस इकोनॉमीज भी आता है उसके बाद, क्या भैया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है, वो उसकी बात भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लार्ज स्केल कॉम्पिटेटिव प्राइजेस फ्रॉम अदर इंडस्ट्री दिस इज ड्यू टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस ऑफ देयर आउटपुट, बात समझ में आ रही, ये हमको फायदा मिलता है, फायदा मिलता है, क्या क्या फायदा मिलता है हम वो बात कर रहे हैं सर। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, सर टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है सर, सर ये होता है कि जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही होती है ना तो नई नई टेक्निक्स निकाली जाती है, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट होता है, प्रोसेसेस अच्छी बिल्ड होती है, नई मशीनरी आती है, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, पूरी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी की जो है बहार आ जाएगी मित्रों, पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, पूरी की पूरी जब इंडस्ट्री चल पड़ेगी तो इसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलेंगे। सर जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपकी चल रही है ना तो आपका लेबर स्मार्ट होता है, द लेबरर्स इन दैट एरिया आर वेल अकस्टमर्ड टू डिफरेंट प्रोडक्टिव प्रोसेस, वो ट्रेन होता है बिकॉज पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है, उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है, क्या यहाँ भी यही काम सीख रहा हूँ, यहाँ भी यही काम सीख रहा हूँ, सब दूर से वो सेम काम सीखता है, तो आपका जो लेबर है वो भोला भाला मानुस टैलेंटेड होता है और वो आपको पूरी एज एन इंडस्ट्री में हेल्प मिलता है, बात समझ में आ रही। सर ग्रोथ ऑफ एंशिलरी इन इंडस्ट्री, सर ग्रोथ ऑफ एंशिलरी इंडस्ट्रीज मतलब सर उसके आसपास की जो पड़ोस वाली इंडस्ट्रीज है ना वो भी ग्रो होने लगती है, सर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री इंक्रेजेस द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ एंशिलरी इंडस्ट्रीज विच स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टूल्स मशीनरी कंपोनेंट रिपेयर सर्विसेज, मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाते थे, जो हम प्रोडक्ट बनाते थे उसमें लगने वाला जो आइटम था वो भी ग्रोथ होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इस बॉटल की जो इंडस्ट्री ग्रो होने लग गई, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम कहीं से बना रहे थे तो इसकी भी तो डिमांड इंक्रीज होने लग गई, अब ये भी सस्ता मिलने लग गया, इसकी भी हमारी कैपेसिटी बन गई, ये हम पेंट करवा रहे थे कहीं से, इसकी भी इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गई, तो ये भी हमको इफेक्टिव प्राइस पर मिलने लग गया, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों सर, इसको भी हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज का ही बोलेंगे, बिकॉज ये हमको एक्सटर्नल तरीके से पूरी इंडस्ट्री में जो काम हुआ है उसकी वजह से हमको मदद मिली। सर जब आप बड़े बनते हैं ना तो आपको बेटर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलती है सर, मार्केटिंग में फैसिलिटी मिलती है सर, जब पूरी इंडस्ट्री बड़ी होती है तो अच्छी रोडें बनने लगती है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है, गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, अच्छी अच्छी चीजें उनको देती है सर, एफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड होता है, मार्केटिंग नेटवर्क बिल्ड होता है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है और हम जो है और ज्यादा ज्यादा हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्ट्रांग होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है और स्पीड इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होता है, मतलब जल्दी से हमारी इंफॉर्मेशन उधर फैलती है सर, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सही इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी में, लेबर में, प्राइजेस में, प्रोडक्ट्स में, वो इजीली अवेलेबल होती है, सब दूर आराम से सबको सही तरीके से नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स वगैरह बनती है, लोग बात करते हैं, कंटेंट की भरमार होती है, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पर सब उसके बारे में लिखने लगते हैं और ज्यादा हम उस पर एडुकेट होने लगते हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा रिड्यूस होता है। लेकिन इसी की जगह ये तो हमारा हो गया सर बेनिफिट, ये तो प्लस हो गया, प्लस प्लस सर आपने प्लस प्लस बता दिए एक्सटर्नल इकोनॉमी सर, एक्सटर्नल इकोनॉमी के आपने प्लस प्लस बता दिए, एक्सटर्नल इकोनॉमी के आपने प्लस प्लस बता दिए सर, इसके अलावा तो नेगेटिव भी होंगे, इसके अलावा तो नेगेटिव भी होंगे सर, इसके अलावा तो नेगेटिव भी होंगे सर, ठीक है नेगेटिव पढ़ लेते हैं बच्चे, देखो ध्यान से पढ़ना, अब हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, जिसने आज का लेक्चर पूरा अटेंड किया ना भाई साहब उसको मजा आ जाएगा सर, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में सीज इफ देर आर सर्टेन डिसएडवांटेज विच में न्यूट्रलाइज द एडवांटेज ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री, सर कुछ कुछ ना दुख भी है जीवन में सर, दुख कैसा सर, जब एक इंडस्ट्री एक्सपांड करने लगती है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स बढ़ते हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, स्किल्ड लेबर, तो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सच इनपुट्स प्रेशर ऑन द इनपुट मार्केट, सर हमारा लेबर बढ़ रहा है, हमारी रॉ मटेरियल वगैरह की और डिमांड बढ़ती जा रही है, भैया और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो जब तक सप्लाई नहीं आएगा तो हो सकता है ये लोग मुंह मांगा दाम लेने लगे, सैलरी हमको इंक्रीज करनी पड़े, हमको रॉ मटेरियल के ज्यादा पैसे देने लगे, तो ये क्या हुआ एज एन इंडस्ट्री, जब हम खुद अपना एक नया वहां पर दुकान डालने लगेंगे, खुद अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करने लगेंगे, तो हमको एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज फेस करनी पड़ेगी, हमको एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज फेस करनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमारा क्या होगा सर, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज
in the price of factor production, especially when they are in short supply. Moreover, too many firms in industry at one place may also called result in higher transportation cost, marketing cost, high pollution control cost. The government may also through its location policy prohibit or restrict an expansion of industry at a particular place. Ye sab kya ho gaya sir? Diseconomies. Diseconomies ho gayi sir. Ye sari diseconomies ho gayi. Ye humko jo hai aage badhne nahi de rahi. Kya tumko ye sab samajh mein aaya ya nahi aaya? Jaldi se bolo. Yahan apna jo hai costing ka ye wala chapter bhi khatam ho gaya hai bhaiya. Hum patake phod sakte hain. Maza aa gaya. जो मुझे अभी ज्वाइन किए हैं अगर वो बोलेंगे तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक बार और रिवाइज करवा दूंगा उनके लिए. वैसे तो ये रिवीजन ही था लेकिन एक बार और मैं बोल लूंगा तुम्हारे लिए अगर तुम चाहोगे तो. तुम बोलो जय श्री राम, हमारा हो गया चैप्टर खत्म, मजा आ गया सब, मजा आ गया. क्या मजा आया दोस्तों? जय हिंद बोलो सर, मजा आया. क्रिस्टल क्लियर पूरा कॉस्टिंग का हमने प्रोडक्शन के साथ लिंक करके तुमको जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करी दोस्त, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करी. जल्दी जल्दी बता दो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुमको अब चैप्टर पर एकदम ऐसा कंट्रोल काइंड ऑफ आ रहा है नहीं आ रहा, कंट्रोल काइंड ऑफ आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ. अगर कोई अभी स्टूडेंट चाहता है कि यार सर एक बार और पूरा शुरू से रिवाइज करवा दोगे तो मजा आ जाएगा, तो मैं जरूर उसके लिए ये स्टेप उठाने वाला हूं. अगर तुम कहोगे कि हाँ सर हम रुक सकते हैं थोड़ा आपके लिए, हाँ हाँ वो करवा देंगे, चिंता नहीं करना. कौन कौन बच्चा चाहता है कि यार पूरा सर एक बार रिवाइज करवा दो रिवीजन वंस मोर, पूरे के पूरे चैप्टर का तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, या फिर हम एमसीक्यू भी खेल सकते हैं. वी कैन अभी हमारा पूरा रिवीजन हो सकता है. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो यहां तक देख लें तो उनको बहुत ज्यादा आनंद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तुम बोलोगे तो हम थोड़ा सा एमसीक्यू खेल सकते हैं, MCQ खेल सकते हैं. रिवीजन या MCQ, जल्दी बताओ रिवीजन या MCQ, व्हाट डू यू वांट? जो ज्यादा वोट्स आएंगे वो हम करेंगे, MCQ या रिवीजन. जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो. हाँ सर MCQ, हाँ सर MCQ. MCQ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं. ठीक है डन है बॉस, MCQ खेल लेते हैं. तो क्या हम 8:00 मुझे भी एक थोड़ा सा ब्रेक की नीडेड है, तुम भी ब्रेक ले लो. 8:00 हम मिलते हैं 8:05. में मिलते हैं और फिर हमारा जो है MCQ की दौड़ शुरू हो जाएगी. ये चलता रहेगा लाइव, मैं इसकी स्ट्रीमिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन टाइम से आ जाना, बहुत मजा आएगा MCQ. 8:05 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. टाइम ठीक है 8:05 रखूं, 8:05 रखूं या फिर 8:10 रखूं? 8:05 या 8:10? यहीं पर होगा, चिंता नहीं करना, यहीं पर खेलेंगे. 8:05 या 8:10, जल्दी एक टाइम कंफर्म करो दोस्त, जल्दी एक बार टाइम कंफर्म करो. चलो ये लॉक कर दिया जाए, टाइम्स आना दोस्त, मैं भी टाइम्स आऊंगा. MCQ टेस्ट 8:00 टाइम से आना दोस्त, टाइम से.
जल्दी जल्दी आज। जल्दी जल्दी रेडी लिख दो, हम शुरू कर सकते हैं। जल्दी जल्दी रेडी लिख दो हम। दिख रहा रेडी रहा है कि तुम रेडी हो। हाँ सर, वी आर रेडी। बताओ विच काव इज नेवर यू शेप्ड। कौन सा जो है कर्व कभी भी यू शेप नहीं होता? ए के एफ सी, बी ए सी, सी ए वी सी, या डी एल। जल्दी जल्दी बता दो, कभी भी यू शेप्ड नहीं होता कौन सा है? कार्तिक भाई पहले ऑप्शन तो देख लो। सब बोल रहे हैं सर ए एफ सी। ए एफ सी इज द राइट आंसर। बाकी तो ए सी और ए बी सी यू शेप्ड होते हैं, दोनों हमने देख रखे हैं। दोनों हमने देख रखे हैं कि दोनों के दोनों जो है हमारे यू शेप्ड होते हैं। ठीक है सर। इकोनॉमिक कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट। ट्रू है या फॉल्स जल्दी लिखो। ट्रू है या फॉल्स जल्दी जल्दी लिखो। ट्रू है या फॉल्स जल्दी जल्दी लिखो। फर्म प्रोड्यूसिंग फिफ्टीन ट्रू होगा ना भाई। इकोनॉमिक कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट। सर ट्रू है, बिकॉज हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट में एक और चीज आती है। कौन सी? सर इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आई? मोहम्मद अदनान अखिला ये दोनों जो आए हैं ना, वेरी बैड। तुम क्लास में आते क्यों नहीं हो दोस्त? वाई यू आर नॉट इन दी क्लास? प्रॉमिस करके जाना कि रिकॉर्डेड देख ही लोगे, वरना बहुत मार पड़ेगी। ये अखिला और ये मोहम्मद भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं लेकिन टेस्ट हमको देने हैं। हाउ इज दिस वर्किंग ना? अ फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स ठीक है, फिर ठीक है। ऑनलाइन चार्टे पढ़ेंगे? नहीं। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 250। ऑफ रुपीज 250 एंड रुपीज 125 एज पर यूनिट कॉस्ट फॉर फिक्स्ड फैक्टर। इधर ध्यान दो क्वेश्चन पे। अब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? ए 180, बी 150, सी 125 या फिर डी नन।
जल्दी जल्दी लिखो, क्या होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? जल्दी जल्दी लिखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जल्दी जल्दी लिखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सब बोल रहे हैं सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 125 होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 125 होगी। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमको यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी है आपने 250, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 125, ये तो हम 125 निकाल ही लेंगे। बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। बिल्कुल समझ में आ गई। मेरे को ये बताओ, जो अपना मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री क्या डिपिक्ट करता है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लेकिन अभी सप्लाई वाला मैंने उसमें कवर नहीं करवाया तो ये शायद तुम दे नहीं पाओ। याला नहीं, एक सेकंड रुकना, इसके ऊपर का बताओ। मेरे को ये बताओ, अगर अगर मैं कहूं एसी कर्व इज एट मिनिमम, देन एमसी कर्व इज ए मिनिमम, देन एसी बी इक्वल्स टू ए सी डी, अबव ए सी या डी लेस देन ए सी। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सब बोल रहे हैं सर अगर वो मिनिमम पर है, सर वो अगर मिनिमम पर है तो क्या होगा? सर इक्वल्स टू ए सी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बिल्कुल। बी वाला रे, ए बी सी डी ऐसा है, ए बी सी डी ऐसा है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। हाँ सर बिल्कुल समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे टेस्ट लेने में मजा नहीं आ रहा, वो लीडर बोर्ड वगैरह आ नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा एक बार मैं नोट्स तुमको प्रोवाइड कर दूँ प्रोडक्शन और अपने इसके, एंड देन वी विल टेक अ टेस्ट, देन वी विल टेक अ टेस्ट, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। अभी तुम अपनी अपनी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, हम अनअकैडमी वाले जो ऐप है ना उस पर ही लेंगे तो ही मज़ा आएगा, ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा है, वरना तुम क्या जो है मस्त टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, देखो मुझे नाम कौन कौन से याद आ रहे हैं, नेहा तो आई गेस हमारे साथ थी, मानसी, मोहम्मद, अखिला। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, वैसे तो तुम रिकॉर्डेड देखते होगे आई नो, बट मिस मत करना दोस्त, केवल टेस्ट दे के तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम भले ही मेरे टेस्ट ना दे पाओ, टेस्ट भले ना दे पाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट में भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुमको घोट घोट के पिलाने की कि तुम एमसीक्यू के लायक बन जाओ, तो वो गलती ना करना कि तुम कॉन्सेप्ट ना पढ़ो और बस टेस्ट टेस्ट देना हो, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी मुझे आज का ज़रूर आप फीडबैक देना अपने वाले ग्रुप पर, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोल सके भाई जाके रिकॉर्डेड देख लो, पूरा का पूरा सेशन तुमको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और मैंने यही कहा, दादा हमको बार बार टीचर्स के भाग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एक टीचर ए वन सब्जेक्ट वन टीचर। अब तुम जो है शुरू के कुछ घंटे लगा के कुछ मिनट लगा के उनके एफिशिएंसी और उनका जो है मेहनत
चेक कर लो कि वो तुमको बेस्ट चीज दे पा रहे नहीं दे पा रहे, नोट्स वगैरह बेस्ट दे पा रहे नहीं दे पा रहे, देन स्टिक टू इट। इधर उधर भटकोगे काम में नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात मैं कहना चाहता था, बाकी मेहनत करते रहो। मैंने आज सुबह स्ट्रेटजी भी पूरी डिस्कस की थी, अभी हुआ तो और भी एक बार कर लूंगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो दोस्त, बस मेहनत ही है जो भी को आगे इंटर तक ले जाने वाली है। तो ट्रस्ट योर मेहनत, गिव योर बेस्ट एंड यू विल सी द मैजिक इन योर रिजल्ट। ठीक है दोस्त, तो इसी बात पर हम अलविदा लेते हैं। कल सुबह का क्लास होगा नहीं होगा मैं उसके लिए इंटीमेट कर दूंगा, सुबह जल्दी या फिर आज रात को ही। बाकी लगे रहो 6:30 बजे तो हम मिलेंगे इसी फिर से एक धमाकेदार नए तरो ताज़ा चैप्टर के साथ। और ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स में धूम मचाने वाले हैं, चिंता नहीं करना, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। ओके बाय बाय। ये अच्छी लाइन है ना, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो।